खुरई उप जेल की जेलर श्वेता मीना पे एक कैदी ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमला के कारण वे गिर गईं और उनके पैरों में चोटें आई हैं। जेलर की रिपोर्ट पे शहरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। खुरई उप जेल की जेलर श्वेता मीना पे जेल में बंद एक कैदी ने अचानक हमला कर दिया। हमला के कारण जेलर गिर गई और उनके हाथ पैरों में चोटें आई हैं। जेलर ने खुरई शहरी थाना में मामला दर्ज कराओ है। दरअसल मामलों सोमवार के दिना को है। साप्ताहिक परेड में जेलर श्वेता मीना कैदियों की बैरिकों में जाके उनकी समस्या व अन्य जानकारी ले रही थी, तभी एक कैदी राकेश सिंह यादव ने उन पर हमला कर दिया है, जिससे वे गिर गई और उन्हें चोटें आई हैं। कैदी राकेश यादव एक कुख्यात अपराधी है, जे पे हत्या के प्रयास व अपहरण जैसे संगीन मामले बीना व ललितपुर में दर्ज हैं। मामला की जानकारी जेलर ने खुरई एसडीएम व अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है। एक के बाद उनने खुरई थाने में मामला दर्ज कराओ है। जेलर की शिकायत पर खुरई शहरी थाना पुलिस ने आरोपी कैदी पर शासकीय कार्य में बाधा व जान से मारवे की धमकी को मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, सोमवार साप्ताहिक परेड जो होती है बंदियों की, उसमें मैं निरीक्षण कर रही थी कि किसी बंदी को अगर कोई समस्या है या कोई शिकायत है उस संबंध में, तो पूछताछ ही चल रही थी। इतने में एक बंदी है, विचाराधीन बंदी है राकेश पिता कमल सिंह, उसके द्वारा मुझ पर हमला किया गया और धक्का दे के नीचे गिराने का किया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। बाद में चोट वगैरह आई है? जी, हल्की चोटें हैं पीठ पे और घुटनों पे। रिपोर्ट कराई थाने में? जी, मैंने FIR दर्ज करवाई है, TI साहब को भी बताया था और SDM साहब से भी इस बारे में चर्चा की थी और अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया है। जो रूटीन निरीक्षण के लिए जो परेड होती है इनकी, कैदियों से पूछताछ के लिए, उनकी खैरियत जानने के लिए अंदर गए हुए थे, उसी दौरान एक राकेश यादव जो ऑलरेडी वहाँ पर बंदी है दो मामले में, विचाराधीन मामलों में यहाँ पे, तो जैसे ही वो मुड़े उसी दौरान वो उसने उन पर हमला कर दिया था, जिस कारण से उसमें अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, मामला विवेचना में है। बुंदेली बोछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।